श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। जब तुम्हें सत्य की किरण फूटेगी, उस मैत्री से आपकी भीतर शक्ति बढ़ेगी। वो शक्ति भोजन में नहीं, वो शक्ति मैत्री में है। फिर मैत्री वर्तमान परिस्थिति के साथ कैसी भी स्थिति हो जाए, तुम मैत्री करोगे। रोग भी आ जाए, आने दो, क्या होता है। और ये ध्यान शिविर के माध्यम में कि देह अलग है और आत्मा अलग है, बेसिक ध्यान का जो फंडामेंटल क्रिएशन है, देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। हमने देह को जन्मों जन्मों से महत्व दिया है। देह के आकर्षण को तोड़ोगे और देह का प्रयोग आत्मा के लिए करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। देह को सुखमाल बनाओगे तो वहीं का वहीं रहोगे। बेसिक थ्योरी यही है। इस थ्योरी को तुमने अपनाना है और अपने आप मैत्री जागेगी। तो मैत्री रोग आ जाए, क्या होगा रोग में। और जिनको रोग आया है उनका क्या हुआ। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज को कैंसर हो गया, शांत थे। डॉक्टर सामने आते हैं, डॉक्टर मनचंदा आपको बहुत पीड़ा हो गई होगी। सभी संत बड़े बड़े पास में बैठे हैं। आचार्य भगवान कहने लगे, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं अपने आनंद में हूँ। इनको पीड़ा हो रही है, इनके लिए कुछ करूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे महान आचार्य श्री जी, ये हमारे अपने पहले आचार्य अनंत आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी आनंद में रहते थे। बहुत लोग कुछ कहते रहते थे, इधर से उधर से ये वो, आचार्य जी ऐसा करते, शांत मान मुस्कराते रहते। उनकी एक मुस्कुराहट मिल जाती थी, व्यक्ति निहाल हो जाता था। ज़रूरी नहीं तुम गुरु के पास आके बैठो, उनकी बातें करो, कोई ज़रूरी थी नहीं। दूर से वंदना कर लो, ज़रूरी नहीं है किसी गुरु के पास आकर के बैठना और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा तुम्हारे कुछ मंत्र दे देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है। गुरु को दूर से वंदना कर लो, तुम्हारी दृष्टि पड़ गई उनके पास, तुम निहाल हो जाओगे। मैं अपनी घटना कहता हूँ, आचार्य भगवान आत्माराम जी का मैं अपने एक बार दर्शन की जिंदगी में एक बार दर्शन की। मैं उस समय ज़्यादा मेरी बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, पढ़ने जाते थे कॉलेज, चले गए वो, आचार्य भगवान ऊपर थे, मैं ऊपर चला गया, दूर से देखा, मैंने देखा उनको वंदना की। देखो दूर से देखा मैंने उनको वंदना की, जब उनकी कृपा बरसी, कहने भाई हमने तो उस समय कृपा कर दी थी, तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, मुझे वंदना भी नहीं की, तुम मेरे पास भी नहीं आए, मैं तो उसी समय कृपा कर दी थी। ये मेरी प्रत्यक्षता की बात है। महापुरुष ऐसे होते हैं। और बड़ी कृपा बरसती है आचार्य भगवान आत्माराम जी के, नंद ऋषि जी बरसती है कृपा। तुम पात्रता तैयार करो, गुरु के एक दर्शन मिल जाए, गुरु की दृष्टि मिल जाए, जीवन रूपांतरण हो जाता है। फिर चलो उस मार्ग के ऊपर आचार्य भगवान। और महापुरुष को हमेशा कष्ट आते हैं, तुम्हारे जीवन में कष्ट आ गया, कैंसर आ गया, बीमारी आ गई, घबराना मत, शरीर को आया मुझको आया कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, रमन महर्षि को कैंसर हो गया, और एक ही बात कहते हैं, पूछो जानो अपने आप से कि तुम कौन हो, हुआ मैं आई, तुम कौन हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। बस केवल आत्म दृष्टि को पहचानना, कि शरीर में रोग भी आएंगे, दुख भी आएगी, पीड़ा भी होगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का संचार। प्रभु की वाणी बरसी थी, भगवान ने कहा जो आज पुण्य मिल रहा है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पुण्य किया था तुम्हें मिल गया, जय जयकार लगने लगे, तुम्हारा नहीं है वो, तुम अपना क्यों समझते हो। यदि पाप आ गया, निंदा होगी, वो तुम्हारा नहीं है, पुण्य भी जाएगा पाप भी जाएगा, तुम धर्म की शरण में आ जाओ।
एको धम्मो न लभई, धर्म नहीं मिलता। सच्चा धर्म, वीतराग धर्म, आत्म धर्म, महावीर का धर्म, तुम उस धर्म में आ गए हो, तुम महावीर के समोसरण में आ गए हो, तुम्हारा अनंत अनंत सौभाग्य है। और तुम ध्यान शिविर में आ गए हो पंचम काल में, इसका मतलब तुम्हारा कोई महान महान पुण्य है। लोग खींचे चले आ रहे हैं, उसमें रत्ती भर में मेरा कोई अहंकार नहीं कि मैं शिविर करा रहा हूँ। उस प्रभु की कृपा, उसकी वाणी। हम तो डाकियाँ हैं जो माल लेते हैं इधर को दे देते हैं। और तुम्हें कुछ मिल जाए अहंकार मत कर लेना, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हें मिल रहा है। कभी पुण्य आएगा कभी पाप आएगा, समझो धर्म क्या है। धर्म पुण्य और पाप में नहीं है, धर्म क्रिया में भी नहीं है, धर्म अपने स्वभाव में है, अपने भीतर आने में धर्म है। तुम अपने भीतर आओ, डूबो भीतर। जैसे कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया दिखत ना। कबीर बड़े लिखे नहीं थे, भीतर ज्ञान हो गया था। कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, परमात्मा भीतर है। लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मिलेगा ही नहीं। जब भीतर है तो बाहर कैसे मिल जाएगा। भीतर ढूंढो, अवश्य मिलेगा। इस चार दिन के शिविर में जो साधक आए हैं उन सब से मैं कहता हूँ, खूब प्रचार करना, खूब मेहनत करना, मौन का पालन करना। जो जगह मिल गई, देखो इतने बड़े भारत के लोग आ रहे हैं, हम सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। एक शिविर में 10 लोग भी होंगे कमरे में, तुम एडजस्ट करना सीखो। हम लोग चाहते हैं मुझे अलग कमरा चाहिए, अलग बाथरूम चाहिए, अलग। भाई हम सबके लिए कहाँ ला के भाई, एडजस्टमेंट करो ना। तुम तपने आए हो यहाँ, तुम सुविधा तुम्हें नहीं मिलनी। क्या महावीर के पास सुविधा थी? छोड़ दो सुविधा सब, जो जगह जहाँ भी मिलती है तुम तपो। यदि उसमें तुम समता से सहन कर लिया, तुम्हारे कर्मों की नजरा हो जाएगी। हाँ मैं मानता हूँ किसी की आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। पूरा ध्यान रखेंगे तो मैत्री का भाव रखना। रोग भी आए तो रोग आते हैं, कैंसर जैसे रोग आ जाते हैं, घबराना मत, आगे बढ़ लेना। मैंने कहा था संत कुमार चक्रवर्ती दीक्षा ले ली, रोग नहीं खत्म हुए। दीक्षा लेने के बाद देखिए, तुम कहते हो कि कर्म कैसे पीछा नहीं छोड़ते, कर्म नहीं छोड़ते पीछा। उस महान चक्रवर्ती इतना सुंदर था वो कि देव की परीक्षा लेने के लिए आए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तो अहंकार आ गया, 16 रोग पैदा हो गए थूक के अंदर। अहंकार मत करना, दीक्षा हो गई। 700 वर्ष तक रोग रहा। कितने वर्ष? हमारी तो उम्र भी नहीं है, 100 वर्ष की उम्र भी नहीं है। उनको 700 वर्ष तक रोग रहा, फिर भी रोग को सहन करते रहे। देव परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और क्या कहते हैं, ये तो मेरे पास भी शक्ति है, दवाई से मैं भी ठीक कर लेता हूँ। अपना थूक लगाया ठीक हो गया। तो शक्ति तुम्हारे भीतर होती है। ऐसे महापुरुष रोग के साथ मैत्री, बुढ़ापे के साथ भी मैत्री। तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा आए तो आग्रह मत करना, ऐसा ही होना चाहिए। जवानी में कर लिया अच्छी बात है, बुढ़ापे में मत करना। बचपन जवानी बुढ़ापा अलग अलग अवस्था होती हैं। बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी अकड़ में चला जाता, नशा होता है, पैसे का नशा, धन का नशा और अपनी शरीर का नशा। जब बुढ़ापा आता सब टूट जाता है। बुढ़ापा में अनाग्रह वृत्ति का त्याग करना। छोटी सी एक घटना, एक गृहस्थ ने सोचा कि मैंने अपना गुरु बनाना है। कहानी तुमने सुनी होगी, तो उसकी पत्नी बहुत होशियार थी। घर में कई बार होम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है, प्राइम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो पत्नी का इसका काम मुझे दे दो, मैं आपको गुरु बना के देती हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने एक पिंजरा लिया, उसमें कवर डाल दिया। और उनके घर में संत आते थे बहुत। संत आए, कहने लगे महाराज ये बहुत सुंदर हंस है, पिंजरे में मैंने पाला है। संत कहते ये तो कवा है, काला कवा है, क्या कह रही है तुम? महाराज अपनी आंखें धो लो, साफ करो, ये कवा नहीं है, ये हंस है। झगड़ के चले गए, रिजेक्ट कर दिया।
कि इसको तो समझ नहीं, और सा आए और आए, कई आते रहे, सब रिजेक्ट कर दिया। एक सन्यासी आया, घर में आया, उसने वही कहा, महाराज मेरे घर में पिंजरा है, मैंने पाल के रखा है हंस, तुम देखो इसको। संत ने कहा, देख बहन मुझे तो कौवा नजर आता है। नहीं नहीं कौवा नहीं है, अपनी आंखें धो, ये हंस है, ये काला नहीं सफ़ेद है। उस महात्मा ने कहा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मेरी दृष्टि में कौवा है, तुम्हारी दृष्टि में हंस, चलो हम क्या झगड़ा करते हैं, वो भी ठीक है ये भी ठीक है। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको गुरु बना दिया, ये गुरु के लायक है। तो कहने का मतलब, जब तुम किसी बात पे अकड़ जाते हो कि यही ठीक है, महावीर का अनेकांत, महावीर का स्यादवाद, ठीक है, संत ने कहा तुम्हारी दृष्टि से ये हो सकता है हंस, मेरी दृष्टि से कौवा है, तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ। महावीर का अनेकांतवाद, बुढ़ापे के अंदर भी मैत्री करना, अकड़ मत कर लेना, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुएँ बड़ी हो जाती हैं, तुम्हारी वो चलती नहीं, चाबियाँ लेके घूमते रहो ऐसे करके छनकाते रहो, चाबियाँ रह जाएंगी, जवानी की उम्र में चाबियाँ काम आती है, बुढ़ापे में सौंप दो सब, सौंप के ध्यान शिविर में आ जाओ, कब तक चाबियाँ संभाल के रहोगे गुच्छे के अंदर, भीतर का गुच्छा खोलो। तो मैत्री जीवन के साथ, रोग के साथ, जवानी के साथ, बुढ़ापे के साथ, जब भी रोग आ जाए उस मैत्री को अपने जीवन में रखना है। संत विनोबा भावे, 155 घंटे का संथारा आया, विनोबा भावे को 155 घंटे का जैन साधना के मुताबिक, कितनी बड़ी बात है। और कहा था कि जहाँ भी मैं हूँ मेरी लाश नीचे दफना देना, कोई राजकीय सम्मान, इंदिरा गांधी ने बड़ी बड़ी टीम बुलाई थी राज्य की अतिथि, उसने इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा समय आ गया है, मुझे संथारा लेना है, सलेखना लेनी है। तो जीवन में आप भी याद रखना, जब बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, संथारे की तैयारी कर लेना, ये शरीर को बहुत खिलाया पिलाया, अब अंतिम समय आ गया है जाने का, तो सार ग्रहण कर लेना, ये भी मैत्री रखना शरीर के साथ। डॉक्टरों के पास मत चले जाना, डॉक्टर सुई चुभेंगे इधर से उधर से उधर से, और बेहाल करके कह देंगे अब तो हमारे बस की बात नहीं है, ले जाओ घर, हम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसी स्थिति आए तो अपने जीवन का ध्यान रखना। गीत आकाश का धरती को सुनाना है मुझे, गीत आकाश का धरती को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, हर अंधेरे में उजाले में बुलाना है मुझे, फूल की गंध से तलवार को सर करना है, फूल की गंध से तलवार को सर करना है, और गा के पहाड़ों को जगाना है मुझे। गीत आकाश का धरती को सुनाना है मुझे, आकाश में तारे चंद्रमा नहीं होते, धरती में भी होते हैं, जब धरती खिलती है, फूल खिलते हैं, गुलाब के, गेंदे के, जूहे के, वो आकाश को मात कर देते हैं। गीत धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुला, अंधेरे में उजाला समझता है, और गा गा के पहाड़ों को जगाना है मुझे, फूल की गंध से तलवार को सर करना है। एक फूल एक तलवार, कहाँ तलवार और कहाँ फूल, पर फूल की कीमत ज़्यादा है तलवार से। ये मैत्री की बात जो मैंने आपके सामने कही। देखो हर कोई व्यक्ति की भावना होती है, कोई बीमार होता है, हर कोई व्यक्ति सोचता है, प्रत्याख्यान नहीं लिया, उन्हें सोचा कि ठीक हो जाए, पत्नी ने सोचा पति ठीक हो जाए, पिता ने सोचा बेटा ठीक हो जाए, सब ने सोचा तो ठीक हो जाए तो हम जो भी कर लेंगे। अनाथी मुनि का एक संकल्प था कि यह चक्षुशूल ठीक हो गया, मैं दीक्षा ले लूँगा सुबह, और जब चक्षुशूल ठीक हो गया, सब ने अपनी अपनी बात रखी, उसने कहा नहीं मैंने भी एक संकल्प किया था, ये संकल्प की शक्ति, संकल्प किया था, अनाथी मुनि घर से चले गए। ऐसा नहीं कि रोग ठीक हो गया, चल बाद में देख लेंगे, अब घर में रहो, ऐसे अनाथी मुनि नहीं थे। संकल्प लो तो पूरा करना, बीच में छोड़ना मत। देखो संकट जीवन में आते हैं, उसमें सोचना कि मेरे ही कोई पाप कर्म का उदय है जो मेरी निंदा हो रही है, जब मुझे रोग आ गया है, जब मेरी बात को सुनते नहीं, उस समय अपने कर्म को मैत्री से हल करना है।
कि प्रभु आपको भी कितने कष्ट आए थे, आपकी भी निंदा हुई थी, पर आप डगमागे नहीं। उसमें महावीर को याद करना, गसकमाल को याद करना, चंदन बाला को याद करना, सीता को याद करना, मदन रेखा को याद करना। मदन रेखा ने कैसे कष्ट सहन किए थे, एक तरफ पति, और पता है किसके भाई ने मारा है तलवार से, कितनी शांति रखी उस मदन रेखा ने, गोद में पड़ा है पति और धार फूट रही है खून की और वो भाग गया। मदन रेखा ने सोचा, उसको सांत्वना दी, उसका कोई कसूर नहीं, तुम अरिहंत की भक्ति करो, तुम छोड़ो मोह को। उन्होंने उनको धर्म के मार्ग पर लगाया, नवकार मंत्र का शरणा दिया, प्रभु की भक्ति लगाई, अरिहंत परमात्मा का शरणा, धर्म का शरणा दिया। उसका देव मर करके देव बना और आकर के वंदन करता है गुरु को नहीं पत्नी को। लोग कहते क्या, ये मेरी गुरनी है, इसने मुझे धर्म दिया। ऐसे संकट तो तुम्हारे जीवन में नहीं आए, ऐसे भी संकट आते हैं, इतिहास की साक्षी है। देखो जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं, घबराना मत, धर्म की शरण रखना और धर्म तुम्हें जरूर पार उठाएगा, निश्चित पार उठाएगा। धर्म में इतना बल है कि छोटे छोटे संकट है हमारे जीवन में अपने आप चले जाएगा। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, तुम केवल 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 आत्मा। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, देह भिन्न आत्मा भिन्न। आते जाते श्वास को जानो और देखो, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, केवल दृष्टा में रहें, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, मैत्री भाव। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धमो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमंग संति जस धम्य श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चा।